एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीएजीसी नेट की, जिसमें हमने पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड को सबसे पहले लिया हुआ है। और गाइज, ये भी आपको पता ही है कि लाइक हम ऑलरेडी इसकी काफी सारी क्लासेस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसकी 11th क्लास कर रहे हैं। लाइन के आपको टॉपिक यहाँ पर जो मिल रहा है वो है आपका टूल यूज फॉर डेटा कलेक्शन, कि हम डेटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स यूज करते हैं रिसर्च के लिए, उसको आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो बीबीए कर रहे हैं, जिनके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग सारी वीडियोज की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। सो गाइज, व्हाट इज द डेटा कलेक्शन, क्या होता है ये डेटा कलेक्शन, व्हाई वी आर रिक्वायर्ड इट। तो जब भी आप कोई भी रिसर्च करोगे, तो बिफोर लाइक आप जब भी टेस्ट करना चाहते हो, तो टेस्टिंग के पहले आपके पास होना चाहिए डेटा। तो वही जो डेटा आप कलेक्ट करते हो ना, उसी को डेटा कलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो डेटा कलेक्शन होता है, इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसीजर, ये एक तरीका है, एक प्रोसीजर है ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइज द एक्यूरेट इनसाइट ऑफ रिसर्च यूजिंग द स्टैंडर्ड वैलिडेट टेक्निक्स। दैट मीन्स कि ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और अपने उस रिसर्च के टारगेट को पूरा कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। रिसर्चर्स यहाँ पर जो हाइपोथेसिस करता है, उसके बेसिस पर वो अपना डेटा को कलेक्ट करता है ना। जो कलेक्टेड डेटा होता है उसके बेसिस पर क्या करेगा, वो अपनी हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करता है ना। जैसे कि आपने कहा, कोई भी आपने हाइपोथेसिस का अजम्पशंस बना के रखा हुआ है एज जीरो एज वन का, ये कब क्लियर होगा, जब आपकी टेस्टिंग होगी तब क्लियर होगा। और टेस्टिंग कब होगी, जब आपके पास डेटा होगा। अगर डेटा नहीं है तो आप किसी भी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो डेटा इज मस्ट गाइस, डेटा ही हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर हम टेस्टिंग को कर सकते हैं। अभी जो डेटा होता है, बेसिकली आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आखिर होता क्या है। तो देखो, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्टेड होता है बाय द एजेंसी और बाय द रिसर्चर, जो कि एक मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जिसको एक रिसर्चर खुद फील्ड पर जाकर या फिर डायरेक्टली कलेक्ट करता है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो वो होता है आपका प्राइमरी डेटा, है ना, जो करंट में लिया जा रहा है, पहले से अवेलेबल नहीं है, जो अभी करंट में लिया जा रहा है, अभी इकट्ठा किया जा रहा है, वो होता है प्राइमरी डेटा। एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कौन सा होगा, जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, पहले से किसी ने काम किया हुआ है और वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल या वेबसाइट पर, मैगजीन्स पर, न्यूज़पेपर्स पे, किसी भी जगह पर वो ऑलरेडी अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दैट इज कम्स अंडर द सेकेंडरी डेटा। सो ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम एजेंसीज और जो कि यूज की जा रही है, तो उसको कहा जाता है आपका सेकेंडरी डेटा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा को आप कह सकते हो एक तरह से, दिस इज द फर्स्ट हैंड डेटा, वो एक तरह से आपका फर्स्ट हैंड डेटा होगा, है ना। और जो सेकेंडरी डेटा होता है, दिस इज बेसिकली द ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, ओके। फिर इसके बाद तो हम कह सकते हैं ये स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, वो बेसिकली आपको जो चाहिए वो प्राइमरी डेटा चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मेथड्स आपको बताई जा रही है कि आप कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर दिस लाइक सेकेंडरी सोर्स की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, वो कोई पहले जो रिसर्च हुई है वो हो सकता है, सेंसस हो सकता है, किसी का पर्सनल रिकॉर्ड हो सकता है, स्टोरीज हो सकती हैं क्लाइंट्स की, सर्विस रिकॉर्ड हो सकता है, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कुछ तरीके हैं जो आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी सोर्स होता है, ये आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, जैसे कि बुक्स के फॉर्म में आपको ये मिल सकता है, है ना, मैगजीन्स के फॉर्म्स में मिल सकता है आपको, ई जो आपका इंटरनेट है उस इंटरनेट पर वेबसाइट्स में आपको मिल सकता है,
ठीक है, और साथ ही साथ जो पब्लिश जर्नल्स होते हैं वो जर्नल्स भी आपके इसी में ही होते हैं, तो दे आर, या न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर भी जो है वो पब्लिश इंफॉर्मेशन ही होती है, तो ये सब जो रहते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होते हैं, तो उसे आपका सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। और प्राइमरी डेटा जो है उसके लिए जो सोर्सेज है वो क्या होंगे, तो वो हम या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं, या तो इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनराय के थ्रू कलेक्ट करते हैं, आपका जो स्केड्यूल है उसके थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, सर्वे के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीके होते हैं दे आर द मैथड्स फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो ऑब्जर्वेशंस में जो हमारे पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आप और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप किस आप लाइक चीजों को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, और देख कर फील्ड पर जाकर आप चीजों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और फिर अपना जो है वो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, तो वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू में आप स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड दो तरह के इंटरव्यूज आप तैयार करते हो। स्ट्रक्चर्ड में आप पूरी तरह इंटरव्यू सामने वाले से फेस टू फेस इंटरेक्शन आप कर रहे हो, टेलीफोनिक इंटरेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंटरव्यूज में उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी फ्रेम किए हुए हैं, तो वो हो गए आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बट वही कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन आप जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई प्राइमरी सोर्स कलेक्ट करना है, तो आप किसी पर्सन से मिले हुए हो रिगार्डिंग, जैसे कि आपने पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो स्टेटस है वो क्या है, लाइक वहां पर मार्केट कहाँ पर है, या जो प्रोडक्ट आपका है वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, आपने कोई स्ट्रक्चर्ड एक क्वेश्चन तैयार नहीं किया हुआ है, आप बस वहां जाके रैंडमली उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो उसने जैसे बोला कि दे बेसिकली प्रेफर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की भी बहुत सारी कैटेगरीज, तो आपने उसी में से क्वेश्चन निकाले, ओके तो इस प्रोडक्ट की किस कैटेगरी को आप ज्यादा प्रेफर करते हो, बेसिकली आप कहाँ से परचेज करना प्रेफर करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड। फिर इसके बाद क्वेश्चन राय, तो क्वेश्चन राय आप मेल भी कर सकते हो या फिर पर्सनली जाकर भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन राय में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसमें आप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आती है कि ओपन एंड और क्लोज एंड क्या होता है, तो ओपन और क्लोज, क्लोज एंड का मतलब होता है चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसी में से ही आपको चूज करना है, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है चूज करने के लिए। वही ओपन एंड का मतलब होता है कि आपको यहां पर ऑप्शन तो दिए हैं लेकिन साथ ही साथ यस लिख दिया है या अदर्स लिख दिया है, तो यस और नो लिख दिया है और फिर आपसे पूछा है एक्सप्लेन करिए। तो जहां पर आपको मौका रहता है कि आप अपनी पसंद का कुछ आंसर चूज कर सकते हो, अपना कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, वो आपका होता है आप कौन सा हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन राय। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। सर्वे में भी आप एक पूरा सर्वे तैयार करते हो, स्टेटमेंट की लिस्ट तैयार करते हो और उसके आप डेटा कलेक्ट करते हो। स्केड्यूल में भी एक स्टेटमेंट की लिस्ट तैयार होती है, और लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही पर्सन से आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेटा कौन फिल करता है, रिसर्चर खुद फिल करता है। ठीक है, एक वीडियो बनाई हुई है डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड स्केड्यूल, उसको देख लेना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ ये जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्शंस करते हैं, है ना, प्राइमरी, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें आपका नंबर्स मिल जाते हैं और ये नंबर्स आपको हेल्प करते हैं आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए। तो फेस टू फेस आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फेस टू फेस आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, आपने मेल के थ्रू डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने फोन के थ्रू कर लिया है, आपने ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपने डेटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया, मतलब डिकोड कर दिया, और फिर उसको अपने रिसर्च के लिए यूज किया है। वही कुछ क्वालिटेटिव तरीके भी होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन, आपने एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, उस फॉर्म में आप जो भी पर्सन हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इन डेप्थ इंटरव्यू ले रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज जो है उनसे आप इंफॉर्मेशन स्कैन कर रहे हो, वेब सर्वे कर रहे हो आप, लाइक दूसरों से चैट करके आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप एक तरह से फोकस ग्रुप जो है, लाइक स्पेशलिस्ट जो है
उनसे आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैनर्स में। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो ऑब्जर्वेशंस में भी आप देखोगे, जैसे अभी हमने इंटरव्यूज में देखा था ना कि इंटरव्यू जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, और आपका ईमेल्स के थ्रू भी हो सकता है, सॉरी ईमेल के थ्रू नहीं, टेलीफोनिक भी हो सकता है और फेस टू फेस भी हो सकता है, यस वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इंटरव्यूज करते हो। उसी तरह से जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है कि भाई सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड है, आपको उसको आप एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो। ये जो होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि बस आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो उस पर्टिकुलर जगह पर और वहां से आप इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, है ना, वो भी हो सकता है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कि आप पार्टिसिपेंट जो है इन्वॉल्व है उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कि आप खुद वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो, बस दूर से देख रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, और डिस्कस्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि इथिकल इश्यूज से रिलेटेड भी वहां पर ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं इसमें कुछ लिमिटेशन भी आपकी देखी गई हैं, जैसे कि फीलिंग्स बिलीव्स एटीट्यूड्स इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। फिर कुछ एक्सपेंसिव मैथड्स होती हैं, लाइक ये जो मैथड्स होती है बेसिकली एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी, जैसे कि जो सर्वे हो गया वो आपका थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, और उस पर्टिकुलर फील्ड पर जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है तो उसमें भी कन्वेंस का चार्जेस आपका इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होगी। अब जैसे सर्वे मैथड की अगर मैं बात करूँ, तो सर्वे में आपका स्ट्रक्चर्ड सर्वे हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे हो सकता है, डिपेंड कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है, और ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या फिर आप इनडायरेक्ट वे में चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो रिसर्चर आस्क्ड द डायरेक्ट क्वेश्चंस अबाउट द बिहेवियर एंड थॉट्स, व्हाई डोंट यू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस। और इनडायरेक्ट में आप यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और जैसे मैंने कहा कि दे आर द बेसिक मेथड जो आपकी डेटा कलेक्शन के लिए यूज की जाती है। और इसी तरह से आपका स्केड्यूल जो है वो भी आपका वर्क करता है, इसी तरह से आपका इंटरव्यू भी एक तरीका है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो, फोकस ग्रुप भी एक तरीका है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो दे आर द बेसिक टेक्निक्स जो हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। Okay, so thank you so much guys. Keep study hard and smart. Join the Telegram for all the latest information. If you like the video, then press the like button, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for the latest notifications. All the best.